सर हमने आर्चरी तीरंदाजी खेला है सर, मैं 5 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और 4 बार नेशनल खेला हूँ सर। मैंने बीपीएड रायपुर से किया था सर। गवर्नमेंट इतना क्या बोले सके सर, बोलना मुश्किल है, इतना चूतिया किस्म का आदमी है कि समझ में नहीं आता है। जब एग्ज़ाम ले लिया, जब 15 अप्रैल को हम लोग को ज्वाइनिंग था 2020 में, अभी तक तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इससे चूतिया क्या बोल सकते हैं उसको। अभी देख रहे होंगे ये शिक्षक हैं, बिहार राज्य शारीरिक शिक्षक अनुदेशक संघ के नियमित छठे दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा, अभिषेक जी जरा आगे आएंगे और इन अभ्यर्थियों से मैं अभी पूछूंगा कि आज संख्या ज़्यादा लग रही है सर यहाँ पे। जी सर, संख्या रोज बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। बढ़ेगी जी सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। आज मंडे है तो मिलने के लिए कोई गए हैं यहाँ से? अभी तो सर कुछ गए नहीं है, कोई गया नहीं है। और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चिवड़ा देखिए ये क्या खाकर हम लोग आज 27 तारीख से लगातार हम यहाँ बने हुए हैं। चिवड़ा से खा, चिवड़ा के और चिवड़ा मीठा के और खाते हैं। चिवड़ा मीठा खा रहे हैं जी? सही सही बोलिए। देखिए सर, दूसरा हम सामने आपके हकीकत है, देखिए। तो चूड़ा में कुछ दूध दही नहीं डालते? नहीं ना, कहाँ से कुछ लाएंगे। चूड़ा जी को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारे बहाली जो भी नियुक्ति पत्र है जल्द से जल्द जारी करें, तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारा न्याय ना मिले। न्याय ना मिले, कहाँ से आए हैं सर? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से आए जी। और भी लोगों से इधर आएंगे और बात करेंगे हम जरा, जो जो लोगों से बात नहीं किए उन लोगों से। आज छठा दिन है, क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ भाई, कुमार मिश्रा मेरा नाम हो गया, भागलपुर। कहाँ पे रुक रहे हैं रात को? रात में भैया हम आए हैं, सुबह स्टेशन पर इस ठंड में बिताए हैं। अच्छा अच्छा। जो पहने हैं बस यही वस्त्र है और यही घर है। बैग नहीं लाए हैं? नहीं भैया, कुछ नहीं। बैग नहीं लाए? ना ना, वो सब दूसरे का। मतलब आप कहाँ से? जी सर, हम भी भागलपुर से। आगे आइएगा। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर? अच्छा, छत्तीसगढ़ से स्पोर्ट्स प्लेयर है ना? आप सब हैं? जी सर, किस स्पोर्ट्स से? कबड्डी से हैं सर। कबड्डी से कहाँ तक गए हैं? कबड्डी जी, कबड्डी में तो सर सिर्फ नेशनल ही खेले हैं। नेशनल ही खेले हैं? बस नेशनल तक खेल लिए? बस नेशनल तक खेल के और कहाँ जाए सर, नेशनल खेलने के बाद तो ये हाल है। वही पूछ रहे हैं, नेशनल खेल लिए? खेलने के बाद ये हाल है सर कि हम लोगों। आप क्या खेले हैं? वॉलीबॉल में सर नेशनल खेले हुए हैं। आप कहाँ खेले हैं सर? मैं सर हैंडबॉल खिलाड़ी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर बैठा हूँ। नेशनल, ये सभी खिलाड़ी नेशनल के हैं? आपको क्या लगता है? ना हम मतलब नहीं जानते हैं आप सर, आप लोग भी खेलते हैं क्या? जी खेले हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये लोग नेशनल के खिलाड़ी हैं, नेशनल वाला का तो थोड़ा और आरक्षण ज्यादा मिलता है भाई। हाँ सर, क्या? हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, आज बैठे हुए, कल भीख मांगेंगे आरक्षण। बस सर, और क्या कर सकते हैं? नेशनल खेलने के बाद सर, इतना पढ़ाई करने के बाद सर, 8,000 रुपये हम लोग का बोल रहे थे बहाली होगा। हम लोग बोले सर उस पर भी कर दीजिए, नहीं से कुछ हाँ का गुंजाइश है। अब भीख मांगने से तो बेटर है ना सर, लॉकडाउन में सर जितना मान लीजिए कि सरकारी जॉब नहीं था, प्राइवेट में कमा लेते थे। लॉकडाउन के बाद तो सर वो भी हाल बेहाल है। लॉकडाउन के बाद कोई स्कूल रखा नहीं, फिजिकल टीचर है, आप कैसे क्लास लीजिएगा इसमें तो। कहाँ से आए हैं सर आप? जी सर, भागलपुर से हैं हम। भागलपुर से? दोनों भाई भागलपुर। ट्रेन या बस से? सर बस से आए हैं। बस से? कितना किराया लगा था? सर करीब करीब 350-400 रुपया तो लग ही जाता है। यहाँ से पोस्टर लिए जरा पढ़ के सुनाएगा जी। शिक्षा मंत्री होश में आओ। देखिए, शिक्षा मंत्री होश में, अभी अशोक चौधरी है ना सर? जी। अशोक चौधरी जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना उनको सर बस यही चाहेंगे कि यहाँ रोड पर बैठे हैं और उनसे फरियाद लगा रहे हैं, एक झोली फैलाए हुए हैं हमारे सभी भाई की, इस झोली में बस सर नियुक्ति दिला दीजिए और उसमें अहम योगदान आपका भी रहेगा कि आप हम लोगों की बात को वहाँ तक पहुँचाइए और उनको बोलिए कि लोग झोली खोल के बैठे हैं, बस आप नियुक्ति गिरा दीजिए। जो गिरा देंगे सर उसमें ज़िंदगी काट लेंगे, बाकी रोड पर बैठा के भैया क्या मिल रहा है बताइए। पढ़ लिख के घर का सारा उम्मीद हम लोगों से जुड़ा हुआ है और हम लोगों का सारा ज़िंदगी का उम्मीद इस बहाली से जुड़ा हुआ है और आज रोड पर बैठे हैं, कभी इधर से डर लगता है, कभी उधर से डर लगता है, ना कुछ है, कैसे आए इस ठंड में भैया आप भी समझ सकते हैं। 2 लिट्टी खा के अभी पूरा दिन बिताएंगे भैया, रात में क्या खाना मिलेगा पता नहीं, आप पैसा भी अभी कहाँ से पाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल में थे लात मार के भगा दिया कोरोना में, कि बोला फिजिकल टीचर का भी क्या काम है, सब घर से हम ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्या करवाइएगा, वो भी निकाल दिया भैया। आज रोड पर बैठे हैं, सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, पास करके बैठे हैं, खेले हुए हैं, नेशनल खेले हुए हैं, अभी भी खेलते हैं जी भैया, अभी भी खेलते हैं। तो आप कबड्डी में कहाँ कहाँ गए खेलने के लिए? सर हम लोग तो लोकल ही खेले हैं, मतलब नेशनल तक गए, उसके बाद तो सर पढ़ाई चल हो गया, ऐसा हाथ उखड़ गया मेरा, मतलब उसके बाद हम लोग जी सर तो उसमें तो जानते हैं सर, हम लोग वहाँ गए थे खेलते खेलते हाथ उखड़ गया तो हम लोग बैठ गए, बीपीएड का कोर्स किए सर, पढ़ाई किए,
अब चाहते खेल नहीं सकते लेकिन सिखा तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमसे वो मौका भी छीना जा रहा है। 8,000 रुपया इसका वेतन, 8,000 रुपया। यस सर, बस सर, ज्यादा होगा ना, 8,000 रुपये सर कहा। और हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को सुन के यही लगा कि साला इससे बेटर हम लोग इतना पढ़ाई किए, लिखाई किए, खेले, मेहनत के शरीर पे हम लोग का मेहनत किए कि चल भाई देखने से लगे कि हाँ भाई फिजिकल टीचर है, यह कुछ सिखा सकता है। उससे बेटर हम लोग जितना हम लोग मेहनत किए शरीर बनाने में, उससे बेटर हमको लगता है कि हम बोरा ढोते ना सर, तो उससे ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं। से मुजफ्फरपुर तिरुत कॉलेज ऑफ फिजिकल। और कोई लोग बोलेंगे सर? आप लोग सर आगे आ जाइएगा सर, थोड़ा सा एक मिनट के लिए जी। भागत दौलत भैया, हाँ बताइए। सरसी सिंह है इन्हीं। सर हमने आर्चरी तीरंदाजी खेला है सर, मैं 5 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और 4 बार नेशनल खेला हूँ सर। मैंने बीपीएड रायपुर से किया था सर। गवर्नमेंट इतना क्या बोले सके सर, बोलना मुश्किल है, इतना चूतिया किस्म का आदमी है, समझ में नहीं आता है। जब एग्ज़ाम ले लिया, जब 15 अप्रैल को हम लोग को ज्वाइनिंग था 2020 में, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इससे चूतिया क्या बोल सकते हैं उसको। इसको काट लीजिए। चलिए, नहीं जो गुस्सा है वो दिखना चाहिए और ताकि सुनाई जाए वहाँ तक। और सर आप शीर्षासन कर रहे थे कल सर, कल कर रहे थे शीर्षासन सर, शीर्षासन करके दिखाइएगा एक बार, एक बार सर यहाँ पे। उतर जाइए सर, उतरिए मतलब आज दिला दीजिए। शासन में यहाँ पे जो नस होता है यहाँ का, कर दिया सर शीर्षासन। ये दोनों ये रहना चाहिए, ये शीर्षासन। आप भी करते हैं सर? हाँ वो भी करते हैं। फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं पटना से हूँ। पटना से कितने दिनों यहाँ पे हो गया? अभी कर दिया, अभी कर दिया, कितने दिन हो गया सर? मैं यहाँ, मैं तो मोनी हॉकी स्टेडियम में 12 साल से प्रशिक्षण दे रहा हूँ स्पोर्ट का, जैसे सिपाही हो गया, दरोगा हो गया। लेट जाइए, लेट जाइए, शीर्षासन के बाद लेटा जाता है, थोड़ा लेट जाइए यहाँ पे, लेट जाइए, मैं बात कर लूँगा, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए सर। आप क्या चीज़ का खिलाड़ी हैं सर? मैं तो शॉर्ट पिट गोला फेंकता हूँ, और रनिंग और हाई जंप, गोला, कबड्डी, तैराकी, सारे से सब खेल लेते हैं। तो मोहन लोकेश स्टेडियम में क्या करते हैं? ट्रेनिंग कराते हैं अभी तो, फिलहाल अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आपने अक्टूबर में जो बहाली निकाले थे 8,383 निकाले थे, जो विज्ञापन जो निकाले थे, मैंने आप ईमानदारी से हम लोग के साथ फॉर्म भराया गया था, तो मैंने हम लोग फॉर्म भी भरे और हम लोग पार्टिसिपेंट एग्ज़ाम भी दिए। एग्ज़ाम ऐसा लिया गया, ऐसा एग्ज़ाम लिया गया जैसे लगता है कि BPSC और CGL का जो पेपर होता है ना, उसका एग्ज़ाम लिया गया। और इतना नियम कानून से उस वो ठीक है, हार्ड क्वेश्चन पूछा तो हम लोग तो तैयारी करके गए थे और हम लोग अच्छा पेपर दिए, हम लोग ये 3500 एक बच्चा बताया कि 4500 निकला है, 3523। इस तरह से एग्ज़ाम लिया गया है, जिस तरह की मैं BPSC का और दरोगा का और बहुत सारे पेपर एग्जाम दिया, SSC का, मतलब एग्जाम अच्छे से लिया गया। एग्जाम अच्छे से ऐसा ले गया इस नियम की एक जूता खोल के आओ, नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चोरी चमारी बढ़ गया है, वो रुकना चाहिए, ठीक है, नहीं उसमें अगर उसमें नहीं हमारी हम लोग ठीक है, मैं नहीं ठीक है मैं उसी उन्हीं बातों के लिए आया हूँ, मगर चोरी रोका गया तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री तारीफ होना चाहिए। ये शीर्षासन कर रहे थे, योग और आसन का राजा होता है शीर्षासन। शीर्षासन पंडित नेहरू भी क्या करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो शिक्षा मंत्री जी को भी करवाएंगे। और तो सर आपका फिर से नहीं, वो सब उम्र होता है ये। हाँ कितने देर तक इस अवस्था में रुके रहते हैं? हम लगभग 1 घंटा से ऊपर रुक जाएंगे। 1 घंटा से ऊपर? हाँ बिना किसी सपोर्ट के? हाँ बिना किसी सपोर्ट का ही। हम भी शीर्षासन होते हैं तो दीवार के सपोर्ट से? नहीं, हम दीवार के नहीं, पहले हम लोग सीख रहे थे तो उस तरह से, मगर अब नहीं। 1 घंटा तक? हाँ प्रतिदिन करते हैं घर पर। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है? क्या सर? वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तो बना है शीर्षासन का टाइम लगभग 15 मिनट प्रतिदिन करते हैं आप? 15 मिनट? हाँ प्रतिदिन। तो लोग हैं, आ जाइएगा भैया, 1 मिनट आ जाइए, आप आ जाइए। मैं तमाम अभ्यर्थियों से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए।
भागत दौड़ चप्पल टूटा टूट गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल हो, बस और क्या कहेंगे, यही है भैया समस्या। भागत दौड़त चप्पल जूता टूट गेले बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल हो, नौकरिया नहीं मिलल हो। ये गाना गाए थे मनोज जी, जो अभी बीजेपी के इतने प्रचंड जो हैं नेता रह चुके हैं और हैं भी अभी। हाँ, वो जब आए नहीं थे भैया ना, तो वह उस टाइम पर ये गाना उन्होंने गाया था, और वो खुद फिजिकल से जुड़े हुए इंसान हैं, एमपीएड किए हुए हैं, एमपीएड मनोज तिवारी, आप उनका पता लगा लीजिएगा। हाँ, गायक। जब वो सर नहीं आए थे राजनीतिक में, तो उन्होंने ये गाना गाया था कि भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, चप्पल टूट गया, नौकरी नहीं मिल रहा, अपना बाबू जी का लाठी मारता है भाई, हम लोग को भी बोल रहा है, अब क्या करें, चार कट्ठा बेच दिए। बिल्कुल, आप लोगों की बातें सुनी जानी चाहिए और मांगे मानी जानी चाहिए। और कोई लोग बोलेंगे तो यहाँ पर एक मिनट के लिए आ जाएंगे, ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर कैमरामैन साहब दिखा देंगे इधर से उधर तक कि ये कितने लोग आए हैं। वहाँ पर जो टोली है वहाँ पर वो काम करते हैं और काम कर रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक झा है, मैं गया से हूँ। मैं तो 27 तारीख से ही देख रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितना देर कवरेज और जितनी अच्छी से बात आप अपने चैनल के थ्रू रख रहे हैं, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकतंत्र में वोट देना कोई गुनाह है क्या, या एस्टेट पास करना या बीएड पास करना या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना कोई गुनाह है क्या? आज 27 तारीख से आप यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो मनोनीत अतिरिक्त प्रभार में अशोक चौधरी जी हमारे शिक्षा हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको तो लगता है कि हम लोग खुजली हैं, उनके पास अगर कोई जाएगा तो वो पता नहीं, वो मिलना नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सर कोई एक इशू अगर रहता तो माना जाता था कि चलिए 50,000 कैंडिडेट हैं, 20,000 सीट है शारीरिक शिक्षा का अनुदेशक के लिए बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 6,199 लोग एग्जाम में अपीयर हुए पिछले साल, पास किए 3523, पूरे बिहार में 30,000 सीट थी जो कि मैं बता रहा हूँ जो कि पदवर्ग समिति और वित्त विभाग से पास हुआ 8,362 सीट। दिस इज इनफ, ये बहुत ज़्यादा है, जबकि 3523 के 23 अभ्यर्थी भी नहीं आने वाले हैं। अब आप पूछेगा इसके पीछे रीजन, रीजन इसलिए कि कुछ हमारे भाई बंधु यूपी के भी इसमें एस्टेट के परीक्षा दे दिए थे कि बिहार में एस्टेट पास करेंगे तो हमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तो पता लगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन हम लोग भी उस सैलरी में यहाँ पे काम करने के लिए, हमारा कोई उस सैलरी का इशू नहीं है, फर्स्ट हम लोगों की ज्वाइनिंग का इशू है। लेकिन पता नहीं अब लगता है कि जैसी स्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, तो हम लोग तो सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों को या तो आत्मदाह के लिए परमिशन दे दे, नहीं तो अगर हम लोग घर में जहर खा करके या अपने चौक चौराहे पे जहर खा के मरेंगे, कोई पूछेगा कि क्यों मरे, तो नौकरी नहीं है, एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार आप सर, आप सर हम झारखंड से हैं और मैं थ्रो बॉल में नेशनल खेल चुका हूँ। जी सर, और सबसे बड़ी बात ये है कि सर हम लोग बीपीएड करके ऐसा मालूम हो रहा है कि ये कोर्स करके हम लोग गुनाह किए हुए हैं, बीपीएड करके लग रहा है कोई गुनाह कर लिया। अगर यदि हम लोग किसी को बीपीएड किए हुए हैं और बताते भी है ना, तो ऐसा हो गया कि वो लोग मैंने लग रहा है कोई गुनाह वाला काम कर लिए। आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि हम लोग बिहार टीचर पास करके बैठे हुए हैं, और एक साल से जो पास करके बैठे हुए उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो हमारे पीछे वाले जो आए हैं या बाकी जो स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करें वो लोग किस कारण से करें। यहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे सभी, मतलब कि बीपीएड एमपीएड करके बैठे हुए हैं, इतना सक्षम और प्रतिभावान है, एग्जाम निकाल कर आए हैं। आप लोग झकास भारत देखते हैं भैया? हाँ सर, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम सब्सक्राइब हैं। चलिए ठीक है, देखते रहिए, मुख्यमंत्री जी आप भी देखते रहिएगा ताकि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वहां तक जा सकें। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।